नमस्कार स्टूडेंट्स, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ प्रेयर। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। खाना खा सकते हैं, है ना।
आपने कभी कबूतर को दाना डाला होगा तो वो देख रहा, वो अपनी बीक से उसको पिक करेगा। तो उनके पास टीथ नहीं होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनके पास टीथ नहीं होते हैं। फिर हमने क्या स्टडी किया बेटा कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, सम बर्ड्स कांट फ्लाई, सम बर्ड्स कांट फ्लाई। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई एंड सम बर्ड्स कैन स्विम। फॉर एग्जाम्पल डक एंड स्वान, फॉर एग्जाम्पल डक एंड स्वान। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट इंसेक्ट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को कितने लेग्स होते हैं बेटा? इंसेक्ट्स को सिक्स लेग्स होते हैं। क्या, कितने होते हैं? सिक्स। एंड सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स। आपने कभी कभी देखा होगा ना कि मॉनसून के सीजन में ऐसे ही कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं, वो हमारे घर में फ्लाई करते रहते हैं, है ना, बहुत परेशान करते हैं। कभी कभी ऐसे कॉकरोचेस भी आ जाते हैं जो फ्लाई करते हैं, है ना, फ्लाइंग कॉकरोच आ जाते हैं। फॉर जो मॉस्किटोज होते हैं वो भी फ्लाई कर सकते हैं, देन बी है वो भी फ्लाई कर सकती है। सो सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, बट देखो आप ऐसे देखो तो जो चींटी होती है तो वो फ्लाई नहीं कर सकती है, है ना। तो सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, सम कैन नॉट फ्लाई। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंसेक्ट। ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट सॉरी देन वी हैव स्टडीड अबाउट द वेयर डू एनिमल्स लिव, वेयर डू एनिमल्स लिव। तो कुछ एनिमल्स है जो लैंड पे लिव करते हैं, कुछ एनिमल्स है जो ट्री पे लिव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंकी है, बर्ड्स है, वो कहाँ पर लिव करते हैं? ट्री पे करते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो वाटर में लिव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिश, वेल, शार्क, ऑक्टोपस, वो सब कहाँ पर लिव करते हैं? वाटर में लिव करते हैं। एंड कुछ एनिमल्स होते हैं जो वाटर एंड लैंड दोनों में लिव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। देखो आपने देखा होगा कभी कि फ्रॉग होता है जो बारिश में बाहर आता है ना, वो ड्राउन ड्राउन करके बाहर आता है, तो वो पानी में भी लिव कर सकता है और लैंड में भी लिव कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज समरी कीवर्ड्स एंड समरी टू। ओके, एंड देन वी हैव डन अवर एक्सरसाइज नंबर 1AB 2KB। ओके, 1AB एंड 2AB हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओपन पेज नंबर 50। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 50। दिस इज योर क्लास वर्क, सो मेंशन डेट एंड डू स्टार्ट राइटिंग विथ बी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट नंबर 1 एबीएस, स्टेटमेंट नंबर 5 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम NAME, नेम टू TWO, टू BIGBIG एंड टू TWO, टू स्मॉल SMALL, स्मॉल एनिमल्स ANIMALS, एनिमल्स। नेम टू बिग एंड टू स्मॉल एनिमल्स। ओके, तो बिग एनिमल्स कौन से है बेटा, टेल मी। बिग एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? एलिफेंट, जिराफ, टाइगर, पैंथर, वो सब क्या है? बिग एनिमल्स है। सो वी विल राइट डाउन बिग, लायन, आप कोई भी लिख सकते हो आपका।
favorite animal? Okay, my favorite is lion and tiger. So I am writing here lion and tiger. L-I-O-N. Lion. Dog, cat, then rabbit, mouse, है ना? ये सब small animals में आते हैं. So write down here S. I hope आप मेरे साथ ही writing कर रहे हो, ठीक है? Small S N A double L small animals A I hope you have written this. Okay? Take your time and please write down this answer. Now, question number 2. What, W-H-A-T, what helps a bird? H-E-L-P-S, helps a bird. B-I-R-D, bird, T-O-2, fly. Fly, fly. What helps a bird to fly? Birds को fly करने में help कौन करता है? तो ये क्या? Flying. तो flying किससे करेंगे हम बेटा? Flying, flying हम किससे करेंगे? Wings से, है ना? So we will write down here answer number 2. Now, let's move to question number 3. Let's move to question number 3. Name any 3 kind of places where animals live with an example for each. Name, N-A-N-E, name any, A-N-Y, any 3, T-H-R-E-E, 3. Kinds of K-I-N-D-S, kinds of places, P-L-A-C-E-S, places where, W-H-E-R-E, where
animals, A-N-I-M-A-L-S, animals, live, L-I-V-E, live, with, W-I-T-H, with, an example, A-N, an example, E-X-A-M-E-L-E, example, for, F-O-R, for, each, E-A-C-H, each. तीन काइंड्स ऑफ प्लेसेस वेयर एनिमल्स स्लीप। तो हमने पहले हमने स्टडी किया ना कि लैंड पे लीव करते हैं, ट्री पे लीव करते हैं एंड वाटर में लीव करते हैं, है ना। तो दे आर द थ्री काइंड्स एंड उसके हमें एग्जांपल देने हैं। तो एग्जांपल में जो लैंड पे लीव करता है उसका एग्जांपल, ट्री पे लीव करता है उसका एंड वाटर में लीव करता है उसका, ठीक है। सो आवर आंसर, चलो लैंड पे कौन लीव करता है, लैंड में कौन लिव करता है, एलिफेंट, डियर, जिराफ, वो सब कहाँ पर लिव करते हैं, लैंड पे। देन ट्री पे कौन लिव करता है, मंकी, बर्ड्स, वो कहाँ पर लिव करते हैं, ट्री पे। एंड वाटर में कौन लिव करता है, फिश, व्हेल, वो सब वाटर में लिव करते हैं, ठीक है। सो हियर यू राइट डाउन द आंसर। Animals with wings and two legs. उसमें first है
रिंग्स होते हैं पर्स के पास, तो हम उसके नीचे जो हमें ब्लैंक किया है हम वहां पर लिखेंगे बी आई आर डी एस बर्ड्स. ओके, देन यहां पर नीचे लिखा है इंसेक्ट, सॉरी इंसेक्ट, और इसके ऊपर हमें फिलिंग का ब्लैंक दिया है. ठीक है, तो इंसेक्ट क्या होता है? एनिमल्स विद सिक्स लेग्स. इंसेक्ट के कितने लेग्स होते हैं? सिक्स लेग. ओके, तो हम हियर वी राइट डाउन एनिमल्स विद सिक्स लेग्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सम लीप ऑन लैंड. तो उसके सामने आंसर है डॉग एंड लायन. ओके, सम लीव ऑन लैंड उसके सामने है. देखो यहाँ पर है सम लीव ऑन लैंड और उसके सामने आंसर है डॉग एंड लायन. फिर नीचे है ब्लैक और उसके सामने है मंकी एंड स्क्विरल. तो मंकी एंड स्क्विरल कहाँ पर रहते हैं बेटा? मंकी एंड स्क्विरल कहाँ पर रहते हैं? ट्रीज पे. कहाँ पर रहते हैं? ट्रीज पे. सो उसके सामने हम लिखेंगे सम लीव्स ऑन ट्रीज. ओके, देन नीचे उसके नीचे दोनों साइड ब्लैंक है. ओके, और उसके नीचे है सम लीव ऑन बोथ लैंड एंड डैश. तो डैश में हम क्या लिखेंगे बेटा? वाटर. क्या लिखेंगे? वाटर. मैं आपको इसकी फोटो कॉपी भी सेंड करूंगी. ठीक है बेटा, उसके नीचे हम लिखेंगे, उसके डैश में वाटर लिखेंगे और उसके सामने है आंसर फ्रॉग. ओके, ये आंसर हमें दिया गया है फ्रॉग. तो अब इसमें से क्या बाकी रहता है? Some lives on land, some lives on trees, some lives on both. तो some lives on water. जो बीच में हमें second last जो blank दी गई है वहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा? Some lives on water.
सबके पास बीक होती है? नो, बिकॉज टाइगर लायन या मंकी या डॉग ये सबके पास बीक नहीं होती है. सो नो, कैन यू राइट डाउन एंड ओ नो. ओके, देन सी हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स. हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स? बीक से बर्ड क्या कर सकते हैं? ईट कर सकते हैं. तो हेल्प्स टू ईट. आपको ये पैरट का पिक्चर कलर करना है. ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर क्या बोला है. जहाँ पर वन राइट डाउन किया है वहाँ पर आप लाइट ग्रीन, टू राइट डाउन किया है वहाँ पर रेड, थ्री राइट डाउन किया है वहाँ पर पिंक, फोर पे डार्क ग्रीन, फिफ्थ में ब्राउन एंड सिक्स में येलो. आप इतने कलर्स यहाँ जो मेंशन किया है ऐसे ही आपको कलर्स फिल करने हैं. दिस इज योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस एक्सरसाइज नंबर 3, लेट्स रिकॉल एंड लेट्स ऑब्जर्व आर योर क्लास वर्क. ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट दिस रिमेनिंग एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक एंड वी विल स्टार्ट विथ अवर वर्कशीट. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय.